ये अधिकार तेरे पास है? हाँ क्या नाम क्या है तेरा? तीसरे महीने में कितनी पीसेस के साथ ऐसे ब्लीडिंग हुई और ये डर के बोलो क्या हो गई? डर के कि क्या हो गया, शायद क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा डरो नहीं, इस खुदा ने आपको स्वर्ग से आशीष दी है, वो तुम्हें गवाही के साथ खड़ा करेगा। इस गवाही को हमने पहले भी दिया, पर आज इस गवाही को हम फिर सुनेंगे, क्योंकि इस गवाही में बहुत सी चीज़ें हैं आपके उत्साह के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए, और जिन बहनों के बच्चे नहीं हैं खास करके उनके लिए। समझ आ रही है? तो सबसे पहले जब हमने पहले इनकी गवाही दी तो कुछ हमारी इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण कुछ इनकी गवाही पूरी नहीं आ पाई। मैं भी पता नहीं मुझे आवाज़ बंद होगी क्या हुआ, नहीं तो पहले इस गवाही को हम अलग से काट कर यूट्यूब पर डाल देते ताकि लोग, क्योंकि गवाही क्या है कि गवाही एक जीवित वचन है और जो लोग सुनते हैं उनका मन खुलता है। बोलो क्या है? क्योंकि हम भी सब किसके कामों के गवाह हैं, क्योंकि गवाही लोगों को क्या देती है? उत्साह देती है। तो इसलिए इसे अलग से हम काट कर इस गवाही को डालेंगे, और जितने भी अभी सुन रहे हैं जब बाद में देखें इस गवाही को, दूसरों से शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि जो लोग निराशा में हैं वो भी बोलो क्या हो जाए, ब्लेस हो जाए। आमीन। ओके, तो स्टार्ट करो पहले। हाँ स्टार्ट करें, पहले वाला क्लिप दिखाएं उस समय का। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, किसी की खुशी बोलो हमारी, किसी की खुशी हमारी खुशी है। हमें आने दो जल्दी। खुशी से सब नाचो 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 Thank you.
रुको, आप रुको, आप बजाओ, आप रुक जाओ, आप बजाओ, बजाओ बजाओ, नाचो नाचो नाचो, सब सब नाचे। ये माइक रखो इनके पास। रुको, ये इतनी आज खुशी क्यों मनाई जा रही है? पहले गवाही सुनते हैं, तब पता चलेगा। हाँ ठीक है, स्टार्ट करो जल्दी। हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम शम्मा है और जो जिला तरन तारण गांव ठंडी अमंत के रहने वाले हैं, और इनके गवाही जे जे बता रहे हैं सिस्टर कि जैसे जे सिस्टर पहले इस चर्च में इस मिनिस्ट्री में आते थे, पर जैसे इनकी मैरिज हो गई तो उसके उसके बाद किसी कारण जे चर्च नहीं थे आ पा रहे, और जे बता रहे हैं कि जैसे इनकी मैरिज हुई कुछ समय बाद जब जे प्रेग्नेंट हुए तो इनके घर इनकी बेटी हुई, तो जे बता रहे हैं कि वो बेटी बीमार हो गई थी और जब वो 2.5 महीने की हुई थी तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी, तो जिसके कारण जे सिस्टर बहुत ही परेशान थे, और जो इनके मायके वाले मदर थे वो भी इस मिनिस्ट्री इस चर्च में आते थे पर वो भी किसी कारण नहीं थे आ रहे, और जैसे एक दिन अचानक ही परमेश्वर के दास की उनके साथ जब बात हुई तो जैसे इनकी मदर ने जब बात की तो परमेश्वर के दास ने इस सिस्टर के बारे में इनकी मदर से पूछा कि कैसे क्या हाल चाल है, तो जैसे इनकी मदर ने बताया कि जो ये सिस्टर है वो बहुत परेशान है क्योंकि जब इसकी मैरिज हुई तो उसके बाद उनके घर में बेटी हुई थी पर वो काफी बीमार होने के कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, और 2.5 महीने की जब वो हुई तो उसकी डेथ हो गई थी, तो जिसके कारण जो सिस्टर परेशान रहती है, तो इनकी मदर ने बताया कि वो बहुत परेशान रहती है, बहुत अपसेट रहती है। तो फिर परमेश्वर के दास ने इनकी मदर को बताया कि आप अपनी बेटी को लेकर ऐसे मीटिंग में आना, तो जैसे फिर ये सिस्टर इनकी फैमिली और इनके मदर परमेश्वर के दास के साथ जब इन्होंने पर्सनल मीटिंग की तो ये बता रहे हैं कि फिर से परमेश्वर के दास ने इनको वचनों से उत्साहित किया, टीच किया, तो जो कि इनके जीवन में शांति नहीं थी, बहुत परेशान थे, पर जैसे मीटिंग की तो परमेश्वर ने अपनी शांति अपना अनुग्रह फिर से इनके जीवन में किया, इन्हें बहुत शांति मिली। और फिर जी सिस्टर को परमेश्वर के दास ने बताया कि आपने अभी लगातार संगति में बने रहना, इनको प्रेरित किया गया कि आपने लगातार ही मीटिंग को अटेंड करना है, और फिर जे थर्सडे संडे हर एक मीटिंग को अटेंड करते थे और विश्वास करते रहे, और भी अपना इनका जो परमेश्वर के साथ जो प्रेम था बहुत ज्यादा, जे बता रहे कि जे हर एक नियम को भी पूरा कर रहे थे, और जे बता रहे कि जैसे जे विश्वास से हर एक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो जे बता रहे कि जैसे इन्होंने 4 दिसंबर की मीटिंग को अटेंड किया, तो जे बता रहे हैं कि जे ऐसे उसके बाद इनकी प्रेगनेंसी नहीं थी हो रही, ऐसे काफी प्रॉब्लम आ रही थी, तो जब इन्होंने 4 दिसंबर की मीटिंग को अटेंड किया तो उस दिन दुष्ट आत्मा इन पर प्रकट हो गया। हम उस समय के वीडियो क्लिप को देखेंगे। सीधा खड़ो इसे। कौन है तू? इधर देख, मेरे सामने देख, कौन है तू? हाँ नहीं दसना। क्यों नहीं दसना? क्यों 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 पकड़ा तूने इसे? हाँ क्योंकि अपने सोने फैमिली को ही लेके आई है, इतने इतना थोड़ी चाल दे रहा कह लो भी ये अधिकार
ये अधिकार तेरे पास है? हाँ, हाँ? हाँ, मैं नो बच्चा नहीं हूँ तेरा गाड़ी देखी। क्या नाम क्या है तेरा? खबर नदी मैं। हाँ? मैं ना तेरे घर चुनी हूँ, मैं तेरे बाहर थोड़ी है। अच्छा, चार जाने हैं अपा। चार जाने हो? घर के क्रम नहीं अपा। व्यक्ति ना तेरा बेड़ा कर कुंडा। तुम चार जाने हो, इधर देख। तुम चार हो चाहे तुम 400 हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तुम बोलते हो मैं चार जाने हूँ, मैंने कहा तुम 400 क्यों नहीं हो, तुम 4000 क्यों नहीं हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस खुदावंत पर मैं शांस करता हूँ और जिस पर जिसने मुझे अपना दास होने के लिए बुलाया है और तुझ पर अधिकार दिया है, देख 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 मेरी तरफ देख। ओए शैतान, ओए शैतान, हाँ तो तू इस तू है ही नहीं है। हाँ बोल क्या है? हाँ ना तो पास्टर उतरा ना मैं कार बेची ब्लेड तैयार हो चुका मैं रोक गया मैं कहीं थे कोई नहीं वारदात चाहिए। अच्छा मैं नहीं वारदात थे कहनू। अच्छा देखना मेरे तो बगैर कोई नहीं जा सकता थे मैं उधर बेच सारा कुछ की ताया मेरी हजूरी बनी हो कह दी नहीं हो सकती। अच्छा हो सारा कुछ मैं देख पे तेरी हजूरी कैसे जाती है, इसके जीवन से इसके घर से इसके परिवार से तू कैसे जाता है? देख इधर उसकी सामत को। चल जितने भी जाने हो इसके शरीर के अंदर चलो आज एक साथ यीशु के नाम से गंदी आत्माओं लो एक साथ उखड़ जाओ इसकी बॉडी से इसके घराने से इसके परिवार से गंदी आत्माओं उखड़ो। चलो उखड़ो यीशु के नाम से आमीन। और जैसे इनके लिए प्रेयर हुई और जो दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ था जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने उस नेगेटिविटी उस दुष्ट आत्मा से इनको पूरी तरह आजाद कर दिया। और जो इनके कुक बंदी थी जो भी जो प्रेग्नेंट नहीं थे और ये पर जैसे जैसे विश्वास से फिर मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो कुछ समय बाद ही परमेश्वर ने इनको बेबी के साथ ब्लेस कर दिया। और जो बता रहे हैं कि जैसे जब जे प्रेग्नेंट हुई उसके 3 महीने बाद ही इनको बहुत ज्यादा ऐसे ब्लीडिंग आ रही थी और उस समय के भी हम पिक को देख सकते हैं और जिसके कारण जे बता रहे जी काफी डर गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के पीसेस आ रहे थे इनको। तो जे बता रहे हैं कि जैसे फिर इन्होंने जब परमेश्वर के दास के साथ जैसे बात की तो परमेश्वर के दास ने फिर से इनको टीच किया उत्साहित किया कि परमेश्वर आपके साथ है। तो फिर जैसे जे डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने फिर डॉक्टर ने इनको बोला कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं क्योंकि जो 3 महीने बाद इनको ब्लीडिंग आ रही थी। और उस समय फिर जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया हम उस समय की रिपोर्ट को देखेंगे। तो जैसे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चेक की तो डॉक्टर ने बताया कि आपका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इन्होंने फिर से परमेश्वर के दास के साथ इन्होंने पर्सनल मीटिंग की और बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो जे 3 महीने बाद मुझे ब्लीडिंग आ रही है जिसके कारण जी काफी डरे थे पर परमेश्वर के दास ने इनको वचन दिया कि जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिए आपने विश्वास करना है, डरना नहीं है, परमेश्वर ने आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना है। तो जैसे इन्होंने इस वचन को लिया और धन्यवाद किया और जब बता रहे कि उसके बाद फिर इन्होंने 7वें महीने में फिर इन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराई, अब हम वो भी देखेंगे। और जे 7वें महीने में थी और जे भी बिल्कुल नॉर्मल थी फिर लास्ट इन्होंने 9वें महीने में कराई। हाँ, ओके तो ठीक है। अभी यहां से जब इनकी गवाही दी थी तो आवाज शायद बंद होगी कि कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगी। और जब इन्होंने 9वें महीने में फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर नॉर्मल आया था। बोलो क्या? हाँ जी बाबा जी फिर नॉर्मल आया था। हाँ ओके सुनो ठीक है, यहां से वो लाइक में प्रॉब्लम आ गई ना थोड़ी, तो सुनो अपनी इस गवाही को सुना ध्यान से क्यों ये सब कुछ इनके साथ हुआ। बोले गए जब इनकी शादी हुई
तो पहला बच्चा जो बेबी गर्ल थी 2.5 साल की हुई और बीमार होने के कारण उसकी डेथ हो गई। क्या हो गई उसकी? 2.5 महीने की ना, हाँ सॉरी, तो 2.5 महीने की वो बेबी गर्ल थी जिसकी डेथ हो गई। और उन दिनों में ये इस मिनिस्ट्री के साथ नहीं थी, पहले थी। बोलो क्या थी? पहले थी, शादी से पहले थी। पर सुनो ध्यान से, क्योंकि किसी चीज को लेकर इन्होंने अपना मन खराब कर लिया, किसी बात को लेकर अपने मन को खराब किया। इसलिए परमेश्वर ने क्यों कहा, सबसे ज्यादा राखी किसकी कर? अपनी मन की कर। बोलो क्या कर? इन्होंने किसी बात को लेकर मन खराब कर लिया और जहां से ये क्विट हो गए, इन्होंने छोड़ दिया। बोलो क्या कर दिया? छोड़ दिया, क्योंकि गुस्सा कर लिया शायद किसी बात को लेकर। इसलिए वचन क्यों कहता है कि जो गुस्सा भी है, मन खराब जहां गुस्सा, वो सूरज अस्तने से पहले पहले वो तुम्हारे अंदर से क्या हो जाए, नहीं तो किसको मौका मिलेगा? किसको मौका मिलते हैं? लिखा सूरज अस्तने से पहले पहले उसे अपने अंदर से खत्म कर दे, वही हुआ। क्यों परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा किसके बिना नाश हो रही है? और जब वचन तोड़ते हैं तब कौन हालात लेकर आता है? वही हुआ। बोलो क्या हुआ? 2.5 महीने की बच्ची को शैतान ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और उसके बाद बोलो क्या हुआ? उसके बाद भला उस परमेश्वर का कि उसने मेरे अंदर ऐसे अपनी अगुवाई करके अपनी सुविच्छा को डालकर इनसे बात हुई और मैंने पूछा क्या हाल है, तो ये कहते हैं अपनी बेटी को लेकर इनके मम्मा कि बहुत क्या है, बुरा हाल है, उसकी बेटी की एक की डेथ हो गई है। तो आपने देखा कि जब यहाँ पे आए तो शैतान ने पूरी तरह से वचन को ब्रेक करने के कारण, वचन को तोड़ने के कारण अपनी युक्ति में पूरी तरह से फंसाया हुआ था। बोलो क्या? और आगे एक बच्चा खत्म कर दिया और आगे क्या कर दिया? उसकी इसकी कुक को उसने बंद कर दिया। क्या कर दिया? इसकी कुक को शैतान ने बंद कर दिया। आपने अभी वीडियो क्लिप में सुना ना, शैतान ने क्या कर दिया? इसकी कुक को बंद कर दिया। बोलो क्या कर दिया? परमेश्वर ने उस चीज से छुटकारा तो दिया दुष्ट आत्मा से, बोलो क्या है, पर फिर भी शैतान हालात लेकर आए। परमेश्वर ने उस चीज से छुटकारा देकर बेबी के साथ ब्लेस तो कर दिया, बच्चे के साथ ब्लेस तो कर दिया। तब कितना टाइम था जब वो पीसेस के साथ ब्लीडिंग हुई थी? पापा जी 3 महीने थे। 3 महीने की प्रेगनेंसी का टाइम था, ज्यादा नहीं है। बोलो क्या था? सिर्फ 3 महीने, क्योंकि मेडिकल साइंस में कहते हैं कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो किसी, है ना, मतलब किसी भी लेडीज को, तो 4 मंथ तक उसका जरूरी है ये चीजें, 4 मंथ तक। पर ये 3 महीने में हुआ जब परमेश्वर ने बच्चे के साथ इन्हें क्यों आपने क्यों ले लिया? ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से मेरी बात सारी। 3rd महीने में कितनी पीसेस के साथ ऐसे ब्लीडिंग हुई और ये डर गए। बोलो क्या हो गई? डर गए कि क्या हो गया, शायद क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा डरो नहीं, जिस खुदा ने आपको स्वर्ग से आशीष दी है वो तुम्हें गवाही के साथ खड़ा करेगा। ऐसे सुना ना कि गवाही के साथ क्या करेगा? खड़ा करेगा। टीच किया, समझाया, इस चीजों को करो। उन दिनों में ये लगातार रेगुलर हर संडे और वीरवार की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, वचन को पूरा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? वचन को पूरा कर रहे थे। फिर 7वें महीने अल्ट्रासाउंड कराया, नॉर्मल आया। बोलो क्या आया? कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बेबी बिल्कुल ओके है। 7वें महीने में रिपोर्ट कराई, बिल्कुल बेबी ओके। फिर 9वें महीने में कराया,
और नौवें में भी क्या आया? आप माइक दे दो। नौवें महीने च भी नॉर्मल। हाँ, फिर नॉर्मल आया नौवें महीने में भी। सुनो ध्यान से, पर शैतान अभी भी पीछा कर रहा था। बोलो क्या कर रहा था शैतान? अभी भी पीछा कर रहा था। अगर ठीक है, अगर चुप कर गया बच्चा तो आप दे सकते हो। हाँ, पास लेकर खड़े हो जाओ, नहीं तो लोग सोचेंगे कि गवाही किसकी दे रहे हैं। हाँ, आप ले जाओ, हाँ पास ले जाओ, कोई बात नहीं। तो सुनो ध्यान से सुनो, पर जब ये बच्चा पैदा हुआ, बोलो क्या है? पैदा होने से पहले ही इसके नौवें मंथ में ही ना क्या हो गया था इसके? हाँ जी पापा जी, जो डिलीवरी दे टाइम मतलब यदि ना मतलब डॉक्टर कहते कि कोई मतलब बच्चे का बचन का कोई हल नहीं, क्योंकि यदि पोटी बिच निकल गई सी। तो फिर पापा जी नर्सा कहें कि जेड़े भी रब नूं तुसीं मानते तुसीं उहदे घड़ी प्रार्थना करो। हाँ सुनो, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तब आप कहाँ पे थे जब ये हालात हुआ? पापा जी मैं हॉस्पिटल थी। हॉस्पिटल में था, मतलब डिलीवरी के समय, डिलीवरी से पहले बच्चे की पोटी, बोलो क्या है, इसकी पेट में पोटी निकल गई। और पोटी वो उसकी मुंह में चलेगी कैसे? हाँ जी पापा जी, बच्चे के मुंह में पोटी चल गई। ओ, और डॉक्टर बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे? पापा जी डॉक्टर कहते कि तुम जेड़े भी रब नूं मानते हो उहदे घड़ी दुआ करो, नहीं तो फिर बच्चे मतलब मौत भी हो सकती है। ओ, देख लो फिर से। पापा जी फिर मतलब मम्मी ने क्या है, तो फिर मम्मी ने मेरी तो डिलीवरी होन दी, तो फिर मम्मी ने तुम्हें फोन किया, तो फिर क्या कि कोई गल नहीं, तुम परमेश्वर से विश्वास करो, तो कोई नहीं मैं प्रार्थना से बहना। तो पापा जी जो तुम प्रार्थना से बैठे तो क्या कि सिर्फ 10 मिनट नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा बिल्कुल सही होगा। तो पापा जी सच्ची उस 10 मिनट ऐसा ही हुआ जैसे मैंने कहा कि 10 मिनट के अंदर अंदर नॉर्मल डिलीवरी होगी, कुछ नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। क्यों जी, क्यों जी, मम्मा जी, हाँ उनको भी माइक दे दो। आप वॉलंटियर ना जो थोड़े हमारे चरित्र ढीले हैं, जय मसीह की, इन्हें ये नहीं पता कि बंदा उधर खड़ा है तो उस साइड जाए कि इस साइड आई है। चलो परमेश्वर ने और जो टाइम दिया 10 मिनट उसी 10 मिनट में हुआ। हाँ जी, और ये नॉर्मल डिलीवरी, और खुदा ने बेटे के साथ ब्लेस किया। तारीफ करो जोर से यहोवा, ते फिर क्या बात है, खड़े होकर तारीफ करो यहोवा, ते फिर क्या बात है, तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल 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 है। कितने विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो ताकत का परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन औखा, उसने इसीलिए उसने कहा मैंने अपनी बड़ी सामर्थ्य से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, और हे मनुष्य तेरा कोई भी काम मेरे लिए बड़ा है। उसके लिए आपका कोई काम बड़ा? बोलो है कोई काम बड़ा? नहीं है ना, तो फिर भरोसा रखो, विश्वास रखो, अपने मन को स्थिर रखो। खुदावंद आपको भी ऐसे ही बड़ी गवाहियों से खड़ा करने वाला, जो ऑनलाइन भी है। आमीन। तो के परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, और भी बढ़ते जाओ।